हम यहाँ पे हैं और देखिए यहाँ पे काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये हुआ था कैसे। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं इनसे हम बात करते हैं। बताइए सर, ये कैसे हुआ था? कल ये 9:30 का कांड है, रात 9:30 के आसपास का है। तो कैसे हुआ था ये सर? कैसे हुआ था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे 10 बजे खबर मिला यहाँ पे ऐसा ऐसा कांड हो चुका है, क्योंकि मेरा घर पास ही में है, तो मैं वहाँ से फ़ौरन आया 10 बजे के आसपास, तो देखा कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है। देखे तो दिल एकदम सन्न सा रह गया, दहल गया एकदम। इसमें मतलब कि ट्रेन आपस में दोनों तरफ से आ रही थी? नहीं, तो बस यही सिंगल ही थी ट्रेन। वजह बाद में मालूम पड़ा कि कोई इमरजेंसी ब्रेक लगाया था ड्राइवर, उस वजह से ये हुई है। इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगा था ये मुझे मालूम नहीं है, वो तो इंटरनल बात है, वो तो आगे जाँच का विषय है। अच्छा, जाँच चल रहा है। अब रेलवे के जो बहुत सारे अधिकारी आए हुए हैं छोटे से लेकर बड़े तक, क्या करते हैं उनके ऊपर निर्भर है। हम लोग आए दैन आते समय इतना माहौल बिगड़ा हुआ था, शीशा फोड़ के एसी का चढ़ के, बहुत सारे यहाँ पे गांव के लोग हैं वो उन्होंने हेल्प किया, सपोर्ट किया, सीढ़ी ला के चढ़ के फोड़ के, उसके बाद अंदर से जो भी जीवित थे सबको निकाला गया बाहर, जिस कितने घायल थे उसको उनको यहाँ पे एडमिट कराया गया रघुनाथपुर में, वहाँ से फिर रेफर गया। फिर उसके बाद आला अधिकारी आए 11:30 के आसपास, DM SP जो भी थे आए, उसके बाद हम लोग को पब्लिक को वहाँ से दूर कर दिया गया। अब हटिया अभी तक कार्य चल रहा है, प्रोसेस में है। कितना हो गया मौत? तो सर मौत तो बहुत कम बताया जा रहा है, अब देखिए क्या होता है। बताइए कितना जितना हुआ, बताइए लगभग कितना हुआ है आपके नज़र में। हम लोग के नज़र में अभी तो जब हम थे वहाँ पे प्रेजेंट तो 10 था, अब उसके बाद देखिए क्या होता है। अब कितने लोग तो नीचे थे, जते हुए थे, बहुत सारे अंदर थे जी। और इससे पहले भी एक घटना हुआ था इसी तरह का, जो ट्रेन आपस में टकराया था, कहाँ का घटना था? उड़ीसा में जी। और आए दिन ये घटना हो रही है, लेकिन इस पर थोड़ा सा सरकार एक्शन कम ले पा रही है कि नहीं? क्या बोलना चाहते हैं सरकार के बारे में इस पर? सरकार क्या है, मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हर किसी को। मतलब एक सफ़र है इससे, कि एक दूसरे से दूसरे जगह आदमी चला जाता है, एक्टिव होना चाहिए हर किसी को, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अफसर हो। बस क्या बोलना चाहेंगे सर आप? हमारे को इस यहाँ का दृश्य देखते हुए हमको लग रहा है यहाँ के हजारों की संख्या में मौत हुई होगी। हमारा दृश्य यहाँ देखने के बड़ा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट में, आपको भी अनुभव होगा। आप बोलिए, ठीक है ना ये? आप बोलिए। हाँ, आपको अनुभव है ना? अनुभव है। हाँ हाँ, आप बताइए। आपको देख कर लग रहा है ना हजार रुपए हजार की संख्या में? अंदर तो हमको अंदर तो जाने का अलाव ही नहीं है। आपको देखने पर लग रहा है ना? देखने पर दृश्य तो अभी और अंदर जाते हैं दिखाते हैं, मतलब आपको भी लग रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, अभी बोलिए। तो इस पर सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ? इस पर सरकार एक्शन, हर बार ये होते रहता है, तीन चार महीना पहले हुआ था। इस सरकार के काम है ना जांच पड़ताल करना, किसके वजह से यह सब घटना हुआ है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आइए, हम कुछ और भी आपको दिखाते हैं उधर से, चारों तरफ से, यहाँ से तो अलाउ नहीं है, आइए कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। अभी हम आ गए हैं रघुनाथपुर, जहाँ पे बक्सर में है ये, और यहाँ पे जो ट्रेन हादसा हुआ देख सकते हैं किस तरह से ये है, देख सकते हैं ये यहाँ पे काम चल रहा है और कुछ अंदर जाने का अलाउ नहीं है। लेकिन आइए हम कुछ इधर दिखाते हैं बाहर से और कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए थोड़ा सा दिखाइए इधर की नाकामी है, कहीं ना कहीं देखिए, देख सकते हैं ये, दिखाइए जरा सा, देखिए ये किस तरह से पटरी को छोड़ दिया था ये ट्रेन, कोई ट्रेन टकराया नहीं था बल्कि पटरी से ही उतर गई थी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाइए कहा जाता है, देखिए अभी गांव वाले से हम कुछ बात करेंगे कि क्या हुआ था, लेकिन देखिए पूरा तहस नहस हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर तैनात हैं, देख सकते हैं ये, देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त ये ब्रेक लगा होगा, किस तरह से ये पलटा है ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तहस नहस हो गया है, देख सकते हैं ये भाई यहाँ पे। ये हर बार ये घटना हर 3-4 महीने पर अब देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या राज है और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था, ऐसा हुआ होगा ये तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इससे भी खतरनाक उस तरफ का मंजर था, लेकिन उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। आइए यहाँ पे हम कुछ जो ग्रामीण लोग हैं इनसे भी बात करेंगे,
पहले यहाँ दिखाते हैं, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या हो गया है, देख सकते हैं ये दिखाइए जरा सा, पूरा दिखाइए इधर, पूरा तहस नहस हो गया है। कितना हाई स्पीड में ये आ रही थी ट्रेन, और देखिए कार चल रहा है, बहुत ज़ोरों तोरों से काम लग गया है यहाँ पे। अरे आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए हम यहाँ पे कुछ लोग, आप कहाँ से भाई साहब? हाँ तो बसोर का ही कहे। क्या लगता है कैसे हुआ था ये? अब रात में अब कैसे हो गया क्या आप कहेंगे? हम कोई बता नहीं सकता रात में कैसे हो गया। अच्छा आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे, और कि कैसे हुआ था यहाँ पे, जो आसपास के लोग रहते हैं, चलिए हम आगे उनसे बात करिए। काम चल रहा है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं कि इस तरह से ये ट्रेन यहाँ पे उलट गई थी और ट्रेन पटरी को छोड़ दी थी। तब आइए हम यहाँ से कुछ ग्रामीण जो यहाँ पे लोग हैं इनसे और कुछ हम बात करने की कोशिश करते हैं। हम बक्सर से आए। अच्छा बक्सर से आए, आप यहीं से हैं सर? क्या लगता है? अब देखिए रहे सब हादसा हुआ है, सब आदमी के सामने दिखाई दे रहा है। हर दो तीन महीना पर यह हादसा हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ये तो होता ही रहता है दोस्तों। तभी हम रघुनाथपुर में सरकारी हॉस्पिटल में आ चुके हैं, यहाँ पे यह ब्रह्मपुर बक्सर पड़ता है ये, यहाँ पे देखिए सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये घटना हुआ है इसमें जो घायल हुए हैं उनसे हम कुछ अंदर जाके दिखाते हैं आपको, कुछ बात करते हैं, चलिए अंदर। तो अभी हम यहाँ पे अंदर गए तो यहाँ पता चला कि जो सभी लोग अपने अपने जगह पर, एम्बुलेंस वहाँ से आया गया था जहाँ जहाँ के जो पैसेंजर थे मरीज था वहाँ सभी को अपने अपने ज़िला में अपने घर भेज दिया गया है। तो यहाँ से कोई यहाँ पे नहीं है यहाँ पे इस सरकारी हॉस्पिटल में। और आइए हम कुछ अब हम आपको आगे लेके चलते हैं जहाँ से कुछ इसके आसपास जो स्टेशन है वहाँ से बात करते हैं कि आखिर ये जो ट्रेन का ब्रेक लगा था वो किसके कारण लगा था। नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं कि आपको ब्रेक क्यों लगा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। क्या